सो है गाइस, मैं हूं पॉप्स, मैं आपको वेलकम करता हूं फिर एक नया टॉपिक के साथ। तो गाइस, मैं आज आपको आप लोग को एक कमाल की ट्रिक देने वाला हूं। तो गाइस, क्या ट्रिक है? तो आप तो ये जो ट्रिक मैं देने वाला हूं तो आप लोग को ध्यान से देखना, तो आप लोग को भी काम आ सकता है। आप लोग का जो मुसीबत है ये भी ट्रिक आप लोग का काम आ सकता है। ये डेली का सिंपल सा, आप लोग इसके अंदर चीज रखते हैं और इस चीज को लॉक कर देते हैं, बैग को लॉक कर देते हैं। तो कई बार आप लोग का जो लॉक है, वो जो चाबी लॉक का चाबी है, वो जो गुम हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जो जिस पर जहाँ पर ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं, हम लोग का बैग हम लोग का साथ रहता है, डेली बैग हम लोग का साथ रहता है। और बैग के अंदर जो कीमती चीज सब होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैग को ताला लगाए रखते हैं। तो गाइस, इस तरीके से हम लोग डेली जो ट्रैवल करते हैं तो हम लोग बैग को ताला सिंपल सा ही लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग का कीमती चीज होता है, कैमरा होता है, फोन होता है, ये सब कुछ होता है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से तो क्या होगा, आप लोग का जो ताला लगाने के बाद जो चाबी हम लोग को गुम हो जाएगा तो क्या होगा? तो गाइस, कुछ इस तरीके से ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ। तो चाबी आप लोग का गुम हो जाएगा तो किस तरीके से हम लोग को बैग के अंदर के सामान को यूज कर पाएंगे, किस तरह इस मुसीबत से हम लोग बच सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से मैं ट्रिक देने वाला हूँ आज। तो गाइस, सिंपल सा ट्रिक है, इसके लिए हम लोग कुछ आप लोग को एक्स्ट्रा कैरी करना जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा हम लोग जो लॉक है, हम लोग कुछ इस तरह से लॉक को लगाते हैं बैग के अंदर, ये जो कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो गाइस यहाँ मेरे पास चाबी और ये मेरा बैग, कैरी बैग है, सभी की जो बाहर का है ये, इसको मैं लॉक नहीं किया, ये बीच का जो लॉक है इसको लॉक किया है। तो गाइस, देखो ये जैसे मैं लॉक कर दिया है, और ये रहा चाबी, ये जो चाबी मैं सिंपल सा मैं बताने वाला हूँ, जो चाबी आप लोग का गुम हो जाएगा, ये जैसे मैं चाबी को फेंक दिया। तो गाइस, चाबी को फेंक दिया, मेरे पास चाबी नहीं है, मैं किस तरह से ये बैग को ओपन करूँगा और इसका अंदर का जो चीज़ें मैं किस तरह से यूज़ करूँगा, और मान लो मेरा चाबी गया है, गुम हो गया है, मैं किस तरह से ये बैग को ओपन करूँगा, किस तरह से इसका सामान का जो यूज़ करूँगा, किस तरह इसके लिए लिया था इसके लिए यूज़ करूँगा। तो गाइस, ये जो ट्रिक है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सिंपल सा हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग के पास तो पेन होगा ही होगा, हम लोग ट्रैवल करते हैं तो आप लोग का पॉकेट में जरूर करके पेन होगा। तो गाइस, इस पेन की मदद से मैं ही इसको ओपन करने वाला हूँ। तो गाइस, आप लोग को मालूम नहीं होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो पेन का ही मदद से मैं आपको जो बैग को ओपन करके दिखाऊंगा, और ये जो लॉकर है इसके हम लोग को हाल लगाने की जरूरत नहीं है। मैं खाली पेन का आप लोग को, पेन तो आप लोग डेली पॉकेट में लगा के घूमते होंगे, ट्रैवल करते तो जरूर करके आप पेन को लेते होंगे, क्योंकि आप लोग को साइन पेन करना जरूरत है, पेन से ही ओपन करके बैग का सामान को यूज करने वाले हैं। तो गाइस, कुछ इस तरीके से। तो गाइस, सिंपल से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले पेन में होते हैं ऑन, और ये रहा बैग। आप लोगों को अच्छे तरीके से ये लॉक लगा हुआ है, और ये जो लाइन गया है, चेन का जो जॉइंट पॉइंट गया है, तो जॉइंट होके गया है। आप लोग को क्या करना है, सिंपल सा जो मैं आपको लगा रहा हूँ, सिंपल सा आप लोग क्या करना है, जो पेन का जो ये है पॉइंट है, इसको आप लोग को इसके अंदर लगा देना है, जोर करके प्रेशर कर देना है इस तरीके से, पूरा प्रेशर हो गया और उधर से ही आप लोग का ओपन हो जाएगा। आपको ओपन के लिए दिखा रहा हूँ, देख रहे हो, कुछ सिंपल से ट्रिक इस तरीके से ये आपका बैग जो है ये ओपन हो गया। आप लोगों को जो लॉक का जरूरत नहीं है। तो सिंपल से आप लोग देखा किस तरीके से मैं किया। तो ये कोई भी बैग आप लोग यूज करते होंगे, कुछ इस तरीके से लाइन होगा, तो आप लोग पेन से आप लोग को इसको ऑन करके आपका जो सामान है आप लोग यूज कर सकते हो, और बैग भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। बैग इसका आप लोगों को दिखाता हूँ, तो इस तरीके से इसके आप लोग चला देंगे तो ये फिर से काम कर जाएगा। तो गाइस, आपका जो टाइम भी इसमें बच जाएगा और आपका जो सामान है यूज हो जाएगा। तो गाइस, कोई भी बैग आप लोग लेते हो, अटैच लेते हो, कुछ भी लेते हो, आप लोग पेन के मदद से आप लोग इसको ओपन करते हो। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को एक लाइक करके जाना जरूर करिए। तो गाइस, आज के वीडियो में यही करता हूँ, फिर मिलते हैं फिर नेट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।